महकमा आयुष ने खनेतर में BSF की 146 बटालियन के तआवुन से हर दिन हर घर आयुर्वेद के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया। जवानों का तिब्बी मुआयना किया गया और योगा सेशन भी किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से दी गई फौजी जवानों को जानकारी। साढ़े चार पाँच साल का कोर्स होता है, उसके बाद इसमें MD के लिए 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हम करते हैं। देखिए, जैसे हमें कल सूचना मिली थी एक यहाँ के BSF हेडक्वार्टर से कि एक जो आयुर्वेद हमारा नेशनल आयुर्वेदा डे है उसके तहत हर दिन हर घर आयुर्वेद प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हमें कैंप करना, तो रिगार्डिंग आयुर्वेदा लोगों को दिया, एक हमने योगा कैंप भी यहाँ पे किया और मेडिसिन यहाँ पे हेल्थ चेकअप करके लोगों को मेडिसिन भी प्रोवाइड की। तो उसके बाद फिर हम यहाँ के कमांडेंट साहब का भी शुक्रिया अदा कर। उलमाए अहले सुन्नत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइज पॉलिसी में तरमीम की मुज़म्मत, कहा इस तरह से नौजवानों को नशे की समत मोड़ा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस कानून को मनसूख करने का किया मुतालबा। हाल ही में जो हुकूमत ने शराब के ताल्लुक से हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि आवाम का बार बार जो है ये तशवीश का सिलसिला जाहिर हो रहा है और बेचैनी बढ़ रही है। इन तमाम हालात को देखते हुए उलमा किराम यहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इत्माम किया है। ये मुतालबा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जमात अहले सुन्नत का मुतालबा नहीं है, यहाँ के हिंदू का, यहाँ के सिख का, यहाँ के ईसाई का, रियासत जम्मू कश्मीर का जो भी बाशिंदा है उस बाशिंदे का एक ही नारा है कि जम्मू कश्मीर को शराब मुक्त बनाया जाए। और हाल ही यहाँ ना शराब की हमें दुकानें चाहिए और ना यहाँ हमें शराब का सिलसिला और निज़ाम चाहिए और ना यहाँ शराब के लाइसेंस चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लाइसेंस देने ही देने, आप इंडस्ट्रीज के दे दीजिए, आप रोजगार के दे दीजिए। मंडी के सैकड़ो में मंदिर के करीब पुलिस अहलकार की लाश मिली, पुलिस ने तहवील में लेकर कार्रवाई कर दी शुरू। पुलिस अहलकार की शिनाख्त नरेंद्र कुमार वल्दे रमेश्वर कुमार रिहाड़ी जम्मू के तौर पर हुई है। मंडी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाही टीम के सुपर्द कर दी गई। हमारा हवालदार नरेंद्र कुमार जो लाइन से सैकड़ो पोस्ट पे बतौर इंचार्ज गार्ड तैनात था, सुबह हमें पता चला कि मंदिर के पास की कोई 25-30 गज की दूरी पे इनकी डेड बॉडी जो है रोड के नज़दीक से मिली है। हमने घर वालों को इतला दी है, बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज हम कर रहे हैं। अपेरेंटली हमें यही लग रहा है कि पैर स्लिप होने की वजह से पत्थर पे सर लग गया, शायद उसकी वजह से। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत पंचायत फतेहपुर में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, बच्चों ने गर्मजोशी से लिया हिस्सा। सरपंच फतेहपुर की क्यादत में किया गया खेलों का इनेकाद। खास करके आज के मेहमान सरफराज अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बच्चों को भी मेडल प्रोवाइड किए और नायब सरपंच साहब सजाद अहमद जिन्होंने भी बच्चों की हौसला अफजाई की, शुक्रिया खुदा का। पंचायत होते महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें मकान खाली करने के नोटिस मिलने पर कोई हैरानगी नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कुछ भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक मिनिस्टर हर्षवर्धन को जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन मुंतखब करने पर किया चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा।
कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला हुआ, तो परवाज चौधरी जो आई है बीजेपी की, एसटी मोर्चा की कुछ बनी हुई है, वो बीएमओ की चेयर पर बैठ के बोलती है कि पुंछ में जीएमसी होना चाहिए। केजरीवाल साहब का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो हमारी स्टेट की टीम अनाउंस की और उसमें जनाब हरसदेव सिंह की जो उनको चेयरमैन बनाया स्टेट कमेटी का, और उसके अलावा बाकी कमेटियाँ बनी जो हजारा करें, उन सबको भी डाइट पॉन्च में मुनक़दा 5 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पज़ीर हुई। इख्तितामी तकरीब में वर्कशॉप के मुतल्लिक तबादले ख्याल। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हर्षवर्धन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों पर बनाया तनकीद का निशाना, सदर जमहूरिया से की मुदाखलत की अपील। अपने पिताजी की जान में सुरक्षा रखा हुआ है, दोनों हाथों से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, सरकारी संपत्तियों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे, सरकारी मकानों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे, सरकारी गाड़ियों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, और उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों को गैर कानूनी तरीके से उन मंत्रियों के बंगले में रखा हुआ है, स्टेट्स के बंगलों में रखा हुआ है, जो आज की तारीख में पंचों सरपंच में नहीं है, ना कोई किराया देते हैं, बिजली का किराया। कश्मीर के अजमेर में खवातीन का एहतजाज, ससुराल वालों के हाथों खातून के कत्ल का लगाए इल्जाम, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मगर यह कत्ल करना दो ब्रो बयान दमसाय निश कि मे हेरबार बीमार मे खानदार बीमार मे टीन वीन सो आंगन छक क्या सो आंगन छुल कुल मकान यम स पत् रात बच्चे गाँव बाजर खबर क्या अन्न रोपये जहा दी माज दुकान क्या ब्याह नीचे सकूल तम सुन वन बस बहस और बन सामान घर मे कर बोए फोन सकूल आव तु आ ब्रो वापस पहन तम सुन वन मोज हम मार तमिस अंक अंक कश्मीरी पंडितों का एहतजाज, कहा पहली बार वो दिवाली नहीं मनाएंगे, कश्मीर के बाहर तैनात करने का और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। कैसी दिवाली है, ये हमारी खाली है, ये कैसी दिवाली है, ये हमारी खाली है, ये कैसी दिवाली है, हम हमारा हक मांगते। 1990 में पलायन हुआ था, जब मुझे लगता है 1990 में भी कश्मीरी पंडित्स ने अपने जो उनको राहत शिविर मिले थे टेंटों में भी दिवाली मनाई थी, बट दुर्भाग्यपूर्ण आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में और हमारे गृह मंत्री का आज जन्मदिन है, उनको भी हमारी तरफ से लाखों बधाइयां, बट आज ये कश्मीरी पंडित समाज 32 साल के अंदर पहली बार दिवाली नहीं मनाई। ब्यूरोक्रेट्स भी इन्हीं के हैं, लेकिन ये हमसे ही घुमा फिरा के ड्यूकाम साहब बोल रहे, अब आप उन एम्प्लॉयज का लिस्ट दे दो जिनकी सैलरी बंद है। मैं ड्यूकाम साहब से पूछना चाहता हूं, सर आपके एक आर्डर से पूरे एम्प्लॉयज की सैलरी बंद होती है और आपके एक लाइन से सारे एम्प्लॉयज। दिवाली जरूर कहूंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द जहां पे जो बैठे हैं एम्प्लॉयज उनकी 4-4 महीने की सैलरीज नहीं है, हो सकता है मेरी एज के हो कुछ जिनके पास उनके पेरेंट्स का शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैरिड फैमिलीज हैं जिनके बिल्कुल भी पैसे नहीं है उनके पास। मैडम काली दिवाली जैसे आपको पता ही है जो मुलाजिम तबका होता है उसकी सारी जो परिवार होता है वो डिपेंड होता है सैलरी के ऊपर, तो क्योंकि ये त्योहारों का सीज़न है, त्यौहार हैं, त्योहारों का महीना है, तो इसमें सैलरी तो बंद ही।